विलिफेस्टार, मैं मोनू राजपूत दुबई में हूँ इस वक्त। मैं जहाँ पर स्टे कर रहा हूँ आज वो एरिया में बताता हूँ कि आप इधर देख सकते हो होटल हिल्टन है, तकरीबन 80 माले की बिल्डिंग है ये। इस बिल्डिंग में इस होटल में स्टे किया है। जो हमारा रूम था, रूम से ही बुर्ज खलीफा का व्यू था। ये हमारा बुर्ज खलीफा का व्यू है। इसके पास में आप जो देख सकते हो ये बुर्ज खलीफा है। नाइट शो देखा हमने, हम यहाँ पर वापस जा रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं एक चीज़ में अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ, अपने में जितनी होशियारी थी उतने में अपन 20-25-30-40 हज़ार में खेल रहे थे। क्यों ना हम इससे ऊपर निकले। दुबई में आने के बाद में एक चीज़ सीखी मैंने, दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। मैंने एक चीज़ जो सीखी है मेरी ज़िंदगी में वो ये सीखी है कि मेरे फैसले मेरी सोच का नतीजा मेरा परिवार को बनता है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे, छोटी सी बात है, मैंने डिसाइड कर लिया मैं 15,000 में खुश हूँ, इट्स ओके। लेकिन क्या आपका मम्मा खुश है, क्या आपका पापा खुश है, क्या आपकी पत्नी खुश है, क्या आपके बच्चे खुश है, क्या आप ये चाहते हो जो कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया है वो कॉम्प्रोमाइज़ आपके बच्चे भी करें? नहीं ना। अगर वो आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी वो लाइफ न जिए जो आपने जी, तो आपको माई लाइफ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन बदल चुका है। अगर ये मोनू राजपूत जैसी गलियों से निकल कर यहाँ पर दुबई में आकर इस पेशावर वाली लाइफ को जी सकता है, एक महीने में 15 दिन आउट ऑफ इंडिया रह सकता है, आप क्यों नहीं रह सकते हो? मैं एक ही उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, 50 साल की जिंदगी है, 50% हिस्सा खत्म हो चुका है, हमने कुछ नहीं हासिल किया। दुबई में आने के बाद में एक चीज़ सीखी, पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से गम जरूर भुलाया जा सकता है। ये मेरे मोनू राजपूत का बाप से वादा है। मैं आपसे एक ही उम्मीद रखता हूँ, आप आओ माई लाइफ करो, लीगल काम आपके आज पे, आपके मान पे, आपके सम्मान पे किसी प्रकार की उंगली नहीं उठेगी। आपको यहाँ पर सम्मान मिलेगा, आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा, आपको यहाँ पर खुशियाँ मिलेंगी, आपके यहाँ पर सपने पूरे होंगे, आपके भविष्य का, आपके बच्चों का भविष्य सेट होगा। ये मोनू राजपूत का वादा है। एक ही उम्मीद करता हूँ, माई लाइफ करो, खुद के लिए नहीं अपने परिवार के लिए करो यार, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए करो। उनके लिए कोई नौकरी नहीं है, कोई धंधा नहीं है, उनके लिए एक अच्छा सेटअप जमा के जाते हैं, हम एक नाम छोड़ के जाते हैं। कई लोगों ने पैसा कमाया, नो डाउट, लेकिन मुझे एक बात पता है, जिन्होंने नेटवर्क बनाया, जिन्होंने टीम बनाई, जिन्होंने लोगों का भला करा, उसका ही नाम अमर हुआ है, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। आप और मैं क्यों नौकरी में मरें? विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफ, जय जय माय लाइफ।